नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सांगली के विराट से लातूर पहुंची पानी एक्सप्रेस, हर टैंकर से 50,000 लीटर लाया गया है पानी। सूखे से जूझ रहे हैं महाराष्ट्र के कई इलाके। शिवसेना का मोदी सरकार और आरएसएस पर हमला, सामना में लिखा तिरंगा फहराने पर छात्रों की होती है पिटाई, लेकिन आईएस का झंडा लहराने वालों के खिलाफ कार्रवाई कब। मूर्तल गैंगरेप में पलटा पुलिस का दावा, कोर्ट में दाखिल एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई रेप की शिकायत, तीन महिलाओं ने पुलिस में की शिकायत। मुंबई के पास भिवंडी में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 2 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की 12 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। तंजील मर्डर केस में यूपी पुलिस का बड़े खुलासे का दावा, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, आज पुलिस कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर की कोट लखपत जेल में भारतीय कैदी किरपाल सिंह की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पीएम मोदी से की शव को भारत लाने की मांग। आईपीएल में गुजरात लायंस की जीत, पंजाब किंग्स 11 को 5 विकेट से हराया। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।